हेलो, मैं हूँ डॉक्टर संतोष अग्रवाल। मैं एक यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब, अंडकोश छोटा हो गया है, क्या करें। तो बहुत सारे पेशेंट्स में साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं, उनको लगता है कि अंडकोश छोटा हुआ है, बट एक्चुअली एग्ज़ामिन करो तो अंडकोश का साइज़ नॉर्मल होता है। बट फिर भी कई सारे पेशेंट्स होते हैं जिनमें वाकई अंडकोश का साइज़ छोटा होता है। उसमें हमें यह जानना ज़रूरी होता है कि अंडकोश का साइज़ छोटा क्यों है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि नॉर्मल साइज़ क्या होता है टेस्टिस का। तो टेस्टिस का जो नॉर्मल साइज़ होता है, जैसे अपने शरीर का साइज़ अलग अलग होता है, कोई 5 फुट का होता है, कोई 6 फुट का होता है, वैसे अंडकोश का साइज़, नॉर्मल साइज़ भी अलग अलग हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि यूरोपियन पॉपुलेशंस में या अमेरिकन्स में अंडकोश का साइज़, एवरेज साइज़ ज़्यादा होता है, जबकि इंडियन पॉपुलेशंस में या एशियन पॉपुलेशंस में अंडकोश का साइज़ थोड़ा छोटा होता है। अगर साइज़ की बात करें तो एज ए डॉक्टर हम लोग साइज़ को मिलीलीटर या उसके वॉल्यूम से मेज़र करते हैं कि कितने ml का है। नॉर्मल एडल्ट टेस्टिस साइज़, जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं, 18 ml टू 25 ml होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय अंडकोश का साइज़ 1 ml होता है, और वह धीरे धीरे करके करीब 4-5 ml तक साइज़ में बढ़ता है। और जब प्यूबर्टी का टाइम आता है, प्यूबर्टी हमारी बच्चों में 10 से 11 साल की उम्र में चालू होती है, जब अंडकोश का साइज़ अचानक से बढ़ना चालू होता है और प्यूबिक हेयर्स आना चालू होते हैं, धीरे धीरे दाढ़ी मूछ आना चालू होती है, तो अंडकोश का साइज़ धीरे धीरे बढ़ना चालू होता है। और यह फिर 6-7 ml से लेके लेट प्यूबर्टी तक, मतलब 15-16 साल की उम्र तक, करीब 15-16 ml का हो जाता है, और एडल्टहुड पहुँचते पहुँचते ये 18 से 20 ml का हो सकता है। तो साइज़ को आप कैसे मेजर करेंगे? साइज़ को आप घर पे तो मेजर नहीं कर सकते, तो इसका मेजरमेंट डॉक्टर दो तरीके से कर सकता है। या तो सोनोग्राफी करके देख सकते हैं। सोनोग्राफी में टेस्टिस के तीनों डायमेंशंस नापे जाते हैं, उसकी हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है और डेप्थ कितनी है, और फिर एक फार्मूला के द्वारा उसको साइज़ को मेजर किया जाता है। या दूसरा मेथड है जो डॉक्टर अपनी क्लिनिक में मेजर कर सकता है, वह है एक ऑर्किडोमीटर के द्वारा। इसको प्रैडर ऑर्किडोमीटर कहते हैं। इसमें ओवल साइज़ की बीड्स होती हैं और एक ऐसी माला सी होती है, उसमें 1 ml से लेकर 25 ml साइज़ के बीड्स होते हैं, और टेस्टिस को एग्जामिन करके रफली उसके साइज़ को मैच करते हुए टेस्टिस का वॉल्यूम मेजर किया जाता है। इससे पता चलता है कि टेस्टिस का साइज़ कितना है। अगर आप घर पे रफली मेजर करना चाहते हैं टेस्टिस साइज़, तो आप टेप द्वारा मेजर कर सकते हैं। नॉर्मल पॉपुलेशन में जो टेस्टिस साइज़ की लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं, सारे डायमेंशंस तो मेजर करना मुश्किल होगा। लेंथ अगर आपका 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो नॉर्मल है। अब नेक्स्ट बात आती है कि भाई टेस्टिस साइज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एवरीबॉडी इज़ कंसर्न अबाउट द टेस्टिस साइज़, कि मेरा टेस्टिस साइज़ कम है या ज़्यादा है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि टेस्टिस साइज़ हमारे शरीर में दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन को कंट्रोल करता है। पहला है स्पर्म प्रोडक्शन एंड दूसरा होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोडक्शन। स्पर्म, जैसा आप जानते हैं, शुक्राणु, शुक्राणु बहुत ज़रूरी है हमारी फर्टिलिटी के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए। तो शुक्राणु हमारे शरीर में यूजली छोटे छोटे ट्यूबुल्स, टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे ट्यूबुल्स होते हैं, जिसको हम सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं, यहाँ पे बनते हैं, और फिर ट्यूब्स के द्वारा यह फिर एक नली के द्वारा, जिसको हम वैस डिफरेंस बोलते हैं, जब आप इंटरकोस करते हैं तो पेशाब के रास्ते निकल जाते हैं। इसी टेस्टिस में अगर आप और माइक्रोस्कोपिक सेक्शन में जाएंगे तो अंदर सेल्स होते हैं, जिसको लिडिक सेल्स बोलते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारे मर्दानगी का हार्मोन होता है, इससे आपकी लिबिडो बढ़ती है और सेक्स पावर बढ़ता है। तो इस वजह से लोग इतना ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि टेस्टिस का साइज़ कम हो गया है, सम हो गया है। अब अगला सवाल आता है, क्या साइज़ कम होने में इतना फ़र्क पड़ता है? तो जैसा मैंने बताया कि हर इंसान में, इवन नॉर्मल इंसान में, टेस्टिस साइज़ अलग अलग हो सकता है। तो साइज़ अगर अचानक से कम हुआ है या धीरे धीरे कम हुआ है, पहले नॉर्मल था साइज़, अब कम हो गया है, या तो पहले से साइज़ बढ़ गया है, तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, कि कुछ बीमारियां हैं जिससे साइज़ कम भी हो सकता है, कुछ बीमारियां हैं जिससे साइज़ बढ़ भी सकता है। तो अगर प्रीवियस साइज़ से अगर चेंज है ओवर फ्यू मंथ्स या फ्यू वीक्स, तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बट अगर आप किसी और से साइज़ कंपेयर कर रहे हैं तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है कि आप दूसरों से साइज़ कंपेयर करते हैं, आपको लगता है कि साइज़ कम है, बट साइज़ कम नहीं होता है। टेस्टिस का साइज़ कम होना, इस बीमारी को हम टेस्टिकुलर एट्रॉफी कहते हैं, और यूजली अगर
यह होती है तो इसमें जो फाइंडिंग्स होती हैं उसमें अंडकोश सॉफ्ट या छोटे होते हैं, सेक्स ड्राइव कम हो जाता है। अगर दोनों टेस्टिस छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, तो हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, सेक्स ड्राइव कम हो सकती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारे शरीर में मसल मास या हमारी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मसल मास कम हो सकती है, शुक्राणुओं का प्रोडक्शन कम हो सकता है जिससे इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगर हार्मोन की लिमिट काफ़ी कम हो जाए तो आपके चेहरे में जो दाढ़ी मूछ आ रही वो कम हो सकती है, प्यूबिक हेयर्स कम हो सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि अंडकोश साइज छोटा होने के क्या कारण है। सपोज आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वो आइडेंटिफाई करता है कि टेस्टिस साइज छोटा है, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं साइज़ कम होने के। तो सबसे पहला कारण है एज। अगर आप मोर देन 60, 65, 70 ईयर एज के, तो जैसे जैसे एज बढ़ता है शरीर में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम होते जाता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है तो जब शरीर में हार्मोन की लेवल कम होता है तो धीरे धीरे अंडकोश का साइज भी धीरे धीरे कम हो सकता है। हालांकि ज़्यादा एज पे टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा मायने नहीं करता। दूसरा, हार्मोनल इम्बेलेंस हो सकते हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें हार्मोन की कमी हो जाती है, या कई बार टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है, या टेस्टिस कई बार रिस्पॉन्ड नहीं करता टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, तो ऐसे समय में भी टेस्टिस साइज़ कम हो सकता है। दूसरा, ओबेसिटी। अगर बहुत ज़्यादा मोटे लोगों में यूजली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वह एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि फीमेल हार्मोन है उसमें कन्वर्ट होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में कई बार अंडकोश का साइज़ कम होने लगता है। चौथा कारण है एक्सेसिव अल्कोहल यूज़। ऐसा देखा गया है जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं उनमें भी अंडकोश का साइज़ कम होता है। अधिक अल्कोहल लेने वाले लोगों में एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है जो कि एक फीमेल हार्मोन है, और ये लोग ओबेसिटी के भी शिकार होते हैं, तो इसमें भी अंडकोश का साइज़ कम हो सकता है। अगला कारण है अनडिसेंडेड टेस्टिस। अनडिसेंडेड टेस्टिस यूजली ये बच्चों में पाया जाता है। इसमें अंडकोश यूजली पेट से नीचे स्क्रोटम में नहीं आ पाता, जो जो उसकी नॉर्मल पोजीशन है पेट में ही रह जाता है, तो ऐसा अंडकोश जो नीचे नहीं उतरा है उसको हम अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं, और इसकी ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं हो पाती। तो अगर इसको समय रहते डिटेक्ट कर लिया जाए तो इसको ऑपरेशन द्वारा ठीक किया जाता है। अगर यह लेट पता चलता है तो इसकी ग्रोथ नहीं हो पाती और कई बार इसको निकालना भी पड़ता है। नेक्स्ट कारण है जेनेटिक डिसीज़। कुछ सिंड्रोम्स हैं जैसे क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, जिसमें हमारे वाई क्रोमोसोम की कमी होती है, जैसे 46SS, तो इसमें ऐसे सिंड्रोम जिसमें हार्मोन की कमी होती है उनमें भी छोटे छोटे अंडकोश मिलते हैं। नेक्स्ट कारण है टॉर्शन टेस्टिस। कई बार एडल्ट्स में दोनों टेस्टिस नॉर्मल होते हैं लेकिन अंडकोश में अचानक से दर्द होता है और अंडकोश अपनी एक्सिस में घूम जाता है, और जब ये ठीक होता है धीरे धीरे उसकी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है और धीरे धीरे वह सिकुड़ जाता है, तो इस कंडीशन को हम टॉर्शन टेस्टिस कहते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है वैरिकोसील। वैरिकोसील में अंडकोश में नसों के गुच्छे बन जाते हैं बड़े बड़े। अगर ये नसों के गुच्छे काफ़ी लंबे समय के लिए रहते हैं तो ये अंडकोश का साइज छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट है मम्स। मम्स एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कई बार बचपन में होती है। उसमें गले में नीचे जबड़ों के नीचे सूजन आ जाती है जिसको हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं, और कई बार एडल्ट या एडोलेसेंट में अगर यह प्रॉब्लम होती है तो अंडकोश में भी सूजन आ जाती है, और जब यह ठीक होता है तो अंडकोश का साइज छोटा हो जाता है। कई बार पेशेंट्स को ये सवाल रहता है कि डॉक्टर साहब ये अंडकोश का साइज बढ़ना कब रुकता है। मतलब जैसा मैंने बताया कि अंडकोश बचपन में जब आप पैदा होते हो तो 1 ml का रहता है, धीरे धीरे इसका साइज़ बढ़ना चालू होता है। यूजली जब आप एडल्ट हो जाते हो, 18, 19 साल, 20 साल का के हो जाते हो, तो ये फुल साइज़ को अचीव कर लेता है और उसका साइज़ बढ़ना रुक जाता है। अगला सवाल, कई बार पेशेंट्स पूछते हैं क्या साइज़ बढ़ने के बाद क्या यह सिकुड़ सकता है या साइज़ में कम हो सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल कम हो सकता है। जैसे मैंने पुरानी स्लाइड्स में बताया कि कुछ बीमारियाँ होती हैं जो बाद में हो सकती हैं, जैसे वैरिकोसील हो गया या टॉर्शन टेस्टिस हो गया, टेस्टिस में इन्फेक्शन हो गया, तो इसमें अंडकोश का साइज़ एक बार नॉर्मल साइज़ अचीव करने के बाद भी कम हो सकता है। जबकि जेनेटिक डिसीजेज होती हैं उनमें टेस्टिस का साइज़ शुरू से ही कम होता है। लास्ट सवाल ये है कि कई बार पेशेंट को लगता है कि मेरा एक अंडकोश छोटा है जबकि दूसरा बड़ा है, या एक अंडकोश थोड़ा नीचे लेवल पे है जबकि दूसरा अंडकोश ऊपर लेवल पे है, तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। लेकिन नॉर्मली भी जैसा आपने देखा होगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी एक अंडकोश और दूसरे अंडकोश का साइज़ कभी भी एग्जैक्टली समान नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है।
लेकिन अगर इसमें डिफरेंस 20% से ज़्यादा है या फिर जो साइज़ का वेरिएशन है रिसेंट है, मतलब पिछले फ्यू वीक्स या पिछले फ्यू मंथ्स में नोटिस किया है, तो इसमें फिर डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी हो जाता है ताकि वह देखे कि साइज़ कम क्यों हुआ है। कई बार एक अंडकोश का साइज़ बढ़ जाता है, इसकी वजह से दूसरा अंडकोश छोटा होने लगता है। जब एक अंडकोश बड़ा हो तो उसमें वैरिकोसील की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइड्रोसील हो सकता है, सिस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा होता है तो एक अंडकोश का साइज़ बढ़ जाता है, दूसरा हमें छोटा लगने लगता है। तो भी डॉक्टर्स को दिखाने की सलाह दी जाती है। तो आशा है कि आपको इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि अंडकोश का साइज़ क्यों कम हो जाता है। नॉर्मली भी अंडकोश का साइज़ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, और एक नॉर्मल वेरिएशन होती है कि जैसे कि साइज़ या हाइट में वेरिएशन होती है, वैसे एक आदमी की दूसरे आदमी से अंडकोश के साइज़ में भी वेरिएशन हो सकती है, और साइज़ कम होने के बावजूद भी हो सकता है उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सेक्स ड्राइव भी अच्छी हो, इनफर्टिलिटी भी ना हो। थैंक यू।